हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ शाहनवाज अहमद और इस वीडियो का एजेंडा यह है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि एटीएक्स एग्जाम में क्या हमें चीजें एडॉप्ट करनी चाहिए और उन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए सो यूजफुल टिप्स फ्रॉम द एडवांस टैक्सेशन एग्जामिनेशन टीम दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनर टीम स्टूडेंट से क्या डिमांड करती है इन ऑर्डर टू पास टी एग्जाम

बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो वहां पर जो भी रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको फॉलो करना जरूरी है इन द सेक्शन ए टेक केयरफुल नोट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच मे टेल यू हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन एग्जामिन एग्जामिनिंग टीम हमें रेकमेंड करती है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड पे अटेंशन टू इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट टू एड्रेस

क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में आप आइडेंटिफाई कर लें कि जी इस सवाल में तीन रिक्वायरमेंट्स हैं और हर रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली आपको एड्रेस करना है रिमेंबर अगर सवाल की रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप जितना चाहे लिख लें आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले नेक्स्ट चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में कॉमन वर्ड्स को पिक करना है फॉर एग्जाम्पल आपको पास्ट एग्जाम से ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनर समटाइम्स कहता है स्टेट स्टेट अगर लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स लेकिन अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ है है इसका मतलब रेलेवेंट पॉइंट को आपको फुली जस्टिफाई करना है अगर लिखा हुआ है कैलकुलेट तो आपको कैलकुलेशन करनी है अगर डिटेल्ड कैलकुलेशन है तो आपको एक्सेल इस्तेमाल करना है अगर कोई माइनर सी कैलकुलेशन है तो आप अपने वर्ड प्रोसेसर में वो कैलकुलेशन डायरेक्टली शो कर सकते हैं लेकिन फिर आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर लिखा हुआ है एक्सप्लेन

एडवांस टैक्सेशन की नॉलेज को उन्हें लर्न करना है और वो स्टूडेंट्स जो रूल्स पूरा पूरा so अगर आपको याद होंगे तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर सिर्फ रीडिंग करना पढ़ना काफी नहीं है बल्कि टेक्स रूल्स को मेमोराइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज द होल सिलेबस एंड योर अर्लियर नॉलेज फ्रॉम अप्लाइड स्किल्स टेक्सेशन एग्जाम Consider reviewing your your earlier notes alongside your current ones and make sure you address any areas of weakness you may have. अब नॉर्मली ये होता है कि टैक्सेशन के पेपर में और एडवांस के पेपर में काफी गैप होता है सो so, हम एडवांस टैक्सेशन में ही सब कुछ कवर कर रहे होते हैं सो so, प्रॉपरली हमें सारी चीजें लर्न करनी है मेमोराइज़ द रेलेवेंट टैक्स रूल्स यू शुड बी एबल टू राइट दम डाउन विद नो प्रमटिंग फ्रॉम द फैक्ट्स इन द क्वेश्चन सो so, अगर आपसे पूछा जा रहा है कोई स्पेसिफिक टैक्स रूल जो कि आपको याद है तो आपको वो एज इट इज कॉपी करना है अपनी नॉलेज को वहां पर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आंसर द रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू दिनो देखें आपने मेमोराइज कर लिया सब कुछ कर लिया लेकिन सिचुएशन में जो आपको पॉइंट दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको लिखना है सो जेनेरिक रोट लर्निंग इज नॉट सफिशेंट उससे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे

अब हमें पता है कि हमारे पास करंट ईयर लॉस रिलीफ भी है हम उसे कैरी बैक भी कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर वो इनिशियल ईयर होगा तो स्पेशल ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ भी ले सकते हैं अगर आखिरी साल होगा तो टर्मिनल लॉस रिलीफ भी ले सकते हैं इसी तरह अगर हम कंपनीज में जाए तो हमारे पास सेवेंटी ग्रुप लॉस रिलीफ का ऑप्शन भी मौजूद है लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें देखना है कि हमें क्या पॉसिबल ऑप्शन दिए हुए हैं क्या वो बिजनेस का स्टार्ट है अगर स्टार्ट नहीं है तो इट मींस के ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ इज इेलिवेंट सो रेफरेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिबिट और योर कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई इन दिस स्पेसिफिक केस समथिंग इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट थिंक मोर लेस नाउ यहां पर प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट जो है वो सवाल रीड करते ही सिनेरियो रीड करते ही दे स्टार्ट राइटिंग उनकी आदत होती है कि वो लिखना शुरू कर देते हैं अब क्योंकि हमारे पास हंड्रेड मार्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोफेशनल मार्क्स ट्वेंटी मौजूद है तो हमें एटी मार्क्स के लिए भी उतना ही वक्त दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक मार्क के लिए अब ज्यादा टाइम अवेलेबल है सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू थिंक मोर एंड लेस राइटिंग ओके सो आपको हर क्वेश्चन से पहले अपना एक प्लानिंग करनी है सोचना है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है मैं किस तरह से आंसर को लिखूंगा स्ट्रक्चर करूंगा सो टेक टाइम टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर

के लिए, का so, का इस्तेमाल करना है, -headings का इस्तेमाल करना करना है, है, right? सब अगर आप लिखते हैं तो उसको करना करना है, है, तो अपनी calculation को cross -reference करना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कुछ कैलकुलेशन एक्सेल पे किए तो आपको रेफर करना है कि जी, Excel working, spreadsheet working. तभी आपको professional marks भी पर मिलेंगे कीप गोइंग

सेक्शन ए में बहुत ज्यादा टाइम स्टूडेंट स्पेंड कर देते हैं बी केयरफुल अबाउट इट आपको जितना टाइम सेक्शन ए के लिए एलोकेट करना है उतना ही देना है है उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना यू यू हैव टू टू कीप एन आई ऑन योर टाइम ट्राई नॉट देखना है कितना टाइम बाकी रह गया है कितने रिक्वायरमेंट्स मेरे पास बाकी हैं जिसमें आप स्टकअप हुए हैं उसको छोड़ दें दूसरी रिक्वायरमेंट्स में ले चले जाए बाद में आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं ताँग अगर टाइम अवेलेबल है राइट right?

एक्सेल वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करना है इसी के पोर्टल पे जाके इसी सी स्टडी हब का इस्तेमाल करना है लाजमी ताकि उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें और एग्जाम इन्वायरमेंट में टाइम बाउंडेड ट्राई करें प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से आपको रिक्वायरमेंट समझनी है अगर आपके पास एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन किट अवेलेबल है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट में जाएँ सोचें कि इस रिक्वायरमेंट के अंदर कितनी सब रिक्वायरमेंट्स हैं कौन सा रेलवेंट टैक्स रिक्वायरमेंट रूल मुझे यहां पर अप्लाई करना है अगर आपको वो याद नहीं है तो पहले जाकर वो याद करें और फिर उस रिक्वायरमेंट को दोबारा एड्रेस करें आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको रिव्यू करें क्या गलती हुई एग्जामिनर रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर रिपोर्ट में जाएं चेक करें एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या कमेंट पास किए हैं सो इफ यू वर्क अलोंग ऑल पॉइंट्स नंबर वन लेट मी रीड इट अगेन नंबर वन Read the question properly. Pay attention to the common words. Technical knowledge is must. Answer the requirement as per the scenario. Think more, write less. Planning is very important. Structure your answer in a logical way. Continuously complete your paper and demonstrate professional marks. Manage your time properly. And at the end, revise, practice, and review.